कल 2 फरवरी से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को लेकर सूरजकुंड स्थित होटल राजहंस में आज प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया और इस बार आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले को लेकर तमाम जानकारियां दी गईं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव एवं सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के वाइस चेयरपर्सन एम डी सिन्हा ने बताया कि इस बार 27वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का शुभारंभ कल 2 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर 3 बजे करेंगी। उन्होंने बताया कि इस बार मेले का पार्टनर कंट्री तंजानिया होगा, जबकि थीम स्टेट गुजरात रखा गया है तथा इस बार 50 से भी ज्यादा देश मेले में शिरकत करेंगे। वहीं 800 हस्तशिल्पी भी अपनी कला के जौहर दिखाएंगे। इसके साथ भारत के तमाम राज्यों की संस्कृति की प्रस्तुति मेला दर्शकों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली में विदेशी दूतावास के लोग भी यहाँ खास तौर पर शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी आर्टिजन की कला और संस्कृति भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। उन्होंने बताया कि मेले में आने वाले मेला दर्शक हस्तशिल्पियों के क्राफ्ट के लाइव नमूने भी देख पाएंगे कि वह किस तरह बनाते हैं। मेला का जो इंटरनेशनल पार्ट जो थीम स्टेट कंट्री लेते हैं वो तो तंजानिया है, और जो स्टेट है जो कल्चरल हमारा स्टेट जो थीम स्टेट होता है वो गुजरात है, और साथ साथ हम नॉर्थ ईस्ट के अष्टलक्ष्मी हमारी कल्चरल पार्टनर है। आपको इंटरनेशनल आर्टिस्ट ज़्यादा दिखेंगे इस बार, उनकी कला कलाकृतियों को देखने का आपको मौका मिलेगा। देश के भी आपको विभिन्न, हमने कोशिश की है कि विभिन्न कलाकृति और कारीगर आके आपके सामने करें। आपके सामने ही होपफुली पॉटरी का बनते हुए आप देख पाएंगे, एक हस्तकरघा में कैसे काम होता है वो देख पाएंगे, एक पिटलूम लगवाया है हम लोग ने। तो जो कोई साड़ी को एक्चुअल कारीगर बनाता कैसे है वो आप इस मेला में देख पाएंगे। साथ साथ आपको विविधता जो हमारी सांस्कृतिक और कला की विविधता है, न सिर्फ हिंदुस्तान भारत की परंतु पूरे विश्व की, आपको देखने को एक ही जगह मिलेगा। एमडी सिंह ने बताया कि 18 दिन के इस मेले में लगभग 15 लाख मेला दर्शक यहां पहुंचेंगे और इस बार भी पिछले साल की तरह ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की गई है, साथ ही मौके पर भी टिकट मिल जाएगी। पार्किंग को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्थाएं रहेगी। उन्होंने मेला दर्शकों से अपील करते हुए कहा कि वह मेले में एक बार जरूर आए और कला और संस्कृति के संगम का अनुभव करें। टिकट हम लोगों ने पिछले सालों से बिल्कुल चेंज नहीं किया, वो 125 रुपये की टिकट है, हम लोगों ने चेंज नहीं किया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 18 दिनों में करीब करीब 15 लाख के आसपास लोग आएंगे। इसका आइडिया मुझे अभी मेरे पास नहीं होगा, ये तो खैर परिवहन वाले बताएंगे, परंतु ये जो मीट हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ बसेस लगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो बढ़ाई जाएगी। नहीं, थोड़ी बसें तो देखो चार्ज ही रहे। क्या ऑनलाइन की तो हम लोगों ने इनकरेज कर रहे हैं ऑनलाइन टिकटिंग, तो ऑनलाइन टिकटिंग जैसे पिछले साल था वैसा रहेगा, परंतु साइट पर भी टिकट मिलेगा। जैसा पिछले बार हम लोगों ने ऑनलाइन पार्किंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों किया था वैसा ही रहेगा। पिछले बार पार्किंग काफ़ी अच्छा अच्छे तरह से हुई थी, मैं आशा करता हूं कि इस बार भी। आप मेला आए देखें, अपने देश के और इस विश्व की विविधता को अपनाएं, हर चीज़ ऑनलाइन नहीं होती, कुछ आकर एक्सपीरियंस भी करें।